अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स, टुडे आवर बुक इज इनिशिएट इंग्लिश प्री प्राइमरी वन फॉर प्ले क्लास। प्यारे बच्चों, आज जो हमारी किताब है वो इनिशिएट इंग्लिश की प्री प्राइमरी किताब यानी प्री प्राइमरी वन की किताब जो प्ले क्लास की किताब है, इसमें से आज हम बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ें देखेंगे और सीखेंगे। एक्टिविटी नंबर एक में यानी सरगर्मी नंबर एक में हम चीज़ों को देखेंगे जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनी होंगी, और एक्टिविटी नंबर टू में हम लोग कुछ फ्लैश कार्ड को देखेंगे जो बहुत ही अच्छे तरीके से बने हुए हैं जी, और फिर बाद में हम अपनी किताब की जाना पाएंगे। चलिए तो सरगर्मी नंबर एक को स्टार्ट करते हैं। नाउ किड्स, इन एक्टिविटी नंबर वन लुक लेमन जूस। ये लेमन जूस है, लेमन जूस। लेमन जूस हमें गर्मियों में पीना चाहिए। लेमन जूस से हमें क्या मिलता है, पानी ज़्यादा मिकदार में पिया जाता है और ये वैसे भी एक शरबत है। सो हमें लेमन जूस का इस्तेमाल गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। सो दिस इज़ लेमन जूस। ये लेमन जूस है, लेमन जूस, लेमन जूस, लेमन जूस। ये लेमन जूस है, बहुत ही मज़े का। क्या आपने कभी लेमन जूस को पिया? ये खट्टा होता है, लेमन बहुत ही खट्टा होता है, और लेमन को उर्दू में लींबू कहते हैं। लेमन के बाहर वाला कवर येलो यानी पीले रंग का होता है, ये बहुत ही मज़े का होता है जी, और इसे वैसे तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता क्योंकि इससे गला ख़राब हो जाता है, ये बहुत खट्टा होता है जी। सो दिस इज़ लेमन जूस, लेमन जूस, लेमन जूस। लेमन जूस बहुत ही मज़े का जूस है। नाउ द नेक्स्ट इज लुक, दिस इज लाइन। ये लाइन है, लाइन, लाइन, लाइन। लाइन को उर्दू में शेर कहा जाता है। ये शेर जंगल का बादशाह है, ये शेर बहुत तेज़ दौड़ता है, शेर के बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, इसे इंग्लिश में लाइन कहते हैं। लाइन के आगे वाले दांत बहुत ही शार्प होते हैं जी, ये अपने आगे वाले दांतों से अपने शिकार को बहुत ही ज़ोर से पकड़ता है जिससे उसकी सांस रुक जाती है और फिर ये उसे खाता है जी। ये पेट एनिमल तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक जानवर है, ये हमला बहुत जल्दी कर देता है। चूँकि ये इंसानों में नहीं रहता, इसलिए ये किसी इंसान में या जानवर में जल्दी से सोच या विचार नहीं कर सकता कि क्या मैं इसे खाऊं या ना खाऊं, इसलिए ये फ़ौरन से बस हमला करने की कोशिश करता है जी। सो दिस इज़ लाइन, लाइन जो शेर जंगल का बादशाह है, ये शिकारियों में सबसे तेज़ शिकार है, बहुत तेज़ दौड़ता है और बहुत बड़ा होता है। इसके घने घने लंबी लंबी जुल्फों से इसे बब्बर शेर का नाम भी दिया जाता है, यानी इसे उर्दू में बब्बर शेर भी कहते हैं जी। सो दिस इज़ लाइन, 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 लाइन। ये लाइन है, ये क्या है, ये लाइन है। नाउ किड्स, द लाइन एंड लेमन जूस हैज़ बिगनिंग साउंड। लाइन की और लेमन जूस की बिगनिंग साउंड है, क्या आप जानते हैं कि इनकी बिगनिंग साउंड क्या है? गौर से सुनिए, लाइन, लेमन जूस, लाइन, लेमन जूस, एंड द लाइन एंड लेमन जूस हैज़ बिगनिंग साउंड, एंड द बिगनिंग साउंड इज़ लेटर एल साउंड ल, लेटर एल साउंड ल, लेटर एल साउंड ल, ल लेमन जूस, ल लाइन, ल लेमन जूस, ल लाइन, ल लेमन जूस, ल लाइन, लाइन लेमन जूस, लाइन लेमन जूस, लाइन लेमन जूस। नाउ किड्स, द एक्टिविटी नंबर वन इज डन, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट एक्टिविटी, एंड द नेक्स्ट एक्टिविटी इज लुक अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लैश कार्ड। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा फ्लैश कार्ड है, एंड दिस इज लिजर्ड, 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 लिजर्ड। लिजर्ड को उर्दू में छिपकली भी कहते हैं। क्या आपने कभी अपने घर में दीवारों पर छिपकली को चलते हुए देखा? ये बहुत ही खतरनाक होती है, ये भी एक इंसेक्ट है, हमें इसे
बिल्कुल भी नहीं हाथ लगाना चाहिए, ये बहुत ही तेज़ होती हैं, ये जल्दी जल्दी से दीवारों पर चढ़ जाती हैं। और दूसरी बात ये कि ये बहुत ही पुरानी सी इंसेक्ट है, यानी इंसेक्ट में सबसे पुरानी जो इंसेक्ट है वो यही है, यानी बहुत ही पुराने दौर की। डायनासोर्स आपने कभी देखा नहीं ना, बस हम उसे तस्वीरों में ही देखते हैं, लेकिन डायनासोर के ज़माने का ये भी एक कीड़ा है जी। लेकिन ये कीड़ा अपनी होशियारी की वजह से और दीवारों और पहाड़ों पर चढ़ने की वजह से बच गया जी। सो दिस इज लिजर्ड, इसे लिजर्ड कहते हैं, दिस इज लिजर्ड, ये लिजर्ड है। लिजर्ड 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 अपने रंग भी बदलती है, इनमें छोटे से लेके बहुत बड़ी लिजर्ड तक होती हैं। नाउ द नेक्स्ट इज लेमन, क्या आपने अभी लेमन जूस देखा, बहुत ही मज़े का येलो कलर का जी। सो ये भी लेमन है, लेमन बहुत ही खट्टे होते हैं, लेमन का जायका खट्टा होने की वजह से इसे ऐसे नहीं खाया जाता बल्कि इसका जूस बनाया जाता है जी। सो दिस इज लेमन, ये लेमन है। सो दिस इज लेमन, ये लेमन है। Now girls, the lizard and lemon has beginning sound. क्या आप जानते हैं कि lizard और lemon की भी beginning sound है, जैसे lemon juice और lime की थी जी। And the lemon and lizard beginning sound is letter L sound L. Letter L sound L. Capital L, small letter L. Capital L, small letter L. L, L. L, L, lizard, L, lemon, L, lizard, L, lemon. Well done. Now kids, the flashcard. For example, activity number 1 and 2 is done. I hope you enjoyed. Now move on book. चले अब हम किताब की जानब बढ़ते हैं. Now kids, on page number 22, सफ़ा नंबर 22 पर, unit number 12, unit number 12 पर, अल्फ़ाबेट एल साउंड ल, आज जो हमारा टॉपिक यानी उन्वान अल्फ़ाबेट एल साउंड ल है। सो प्यारे बच्चों, इस तस्वीर को बहुत ही गौर से देखिए, कितनी खूबसूरत सी तस्वीर है। इसमें ट्री है, इसके अलावा यहाँ पर बहुत से लोग पड़े हुए हैं, लैंप है, लेटर है। नाउ सो दिस इज लेटर, लेटर लेटर लेटर। लेटर को उर्दू में सीढ़ी कहते हैं, सीढ़ी की मदद से हम दीवारों पर कील या फिर पंखे, एसी और बल्ब वगैरह लगाते हैं जी। इससे हम बुलंदियों तक भी जाते हैं, रंग और रोगन भी करवाते हैं जी। और इस वक्त ये जो लेटर है ये एक ट्री पर लगी हुई है, इसके ऊपर चढ़कर क्या करेंगे कि इसमें से फल वगैरह तोड़ेंगे। फल वगैरह तोड़कर लोग बहुत ही मज़े से खाते हैं। सो दिस इज लेटर, ये लेटर है। नाउ द नेक्स्ट, देखें अ ब्यूटीफुल लैम्प, एक खूबसूरत लैम्प, दिस इज लैम्प, लैम्प लैम्प लैम्प, ये लैम्प है। लैम्प को बैठ के साइड टेबल पर रखते हैं, कई लोग ज़्यादा रोशनी में सोना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते। सो हमारे घर में भी बेड के साइड पर एक लैम्प है जिसे जलाने की मदद से हम उठकर रात को पानी पी सकते हैं जी। ज़्यादा रोशनी से नींद तो बिल्कुल भी नहीं आती, सो नींद ख़राब हो जाती है, इसीलिए लैम्प का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सके। सो दिस इज लैम्प, लैम्प लैम्प, लेटर लेटर लैडर। नाउ लुक, लॉग लॉग, लकड़ी को यानी दरख्त को काटने से उसे छोटे छोटे लॉग्स में तब्दील किया जाता है जी। और ये लॉग है, लॉग को काटकर हम आग जलाते हैं, आग जलाकर गर्मियों में बचा जाता है, और यकीन माने तो इससे आग भी जलाई जाती है। आग जलाकर मामा हांडी पकाती हैं और बहुत ही मज़े मज़े के खाने बनाती हैं। पहले ज़माने में जब गैस मौजूद ना था सो इन लकड़ियों को यानी इस लॉग को काटा जाता था और फिर इसी की आग जलाई जाती थी। आग जलाने के बाद इसी के ऊपर खाना बनता था। जैसे कि अब जदीदी दौर है, हम सभी के घरों में गैस मौजूद हैं, लेकिन अभी भी जब कभी हम बारबेक्यू करें या फिर हम अपने गाँव अपनी नानी के घर जाएँ तो अभी
भी लकड़ियों पर हांडी पकाई जाती है और कोयले की मदद से तो तमाम तरह के यानी बारबेक्यू किया जाता है। क्या आपने कभी खाया? बहुत ही लजीज और मज़े का होता है। सो दिस इज लॉग, ये लॉग है। लॉग लॉग लॉग। नाउ किड्स नीचे देखे, बहुत ही खूबसूरती से इन्हीं चीज़ों को दोबारा से बताया गया है। सो आपने अब मुझे बताना है कि लेटर कहाँ है। दिस इज लेटर और दिस इज नो, दिस इज लेटर 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 और ये लॉग है। लॉग 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 लॉग। एंड वेयर इज लैम्प, और लैम्प कहाँ है। वेल डन, दिस इज लैम्प, ये लैम्प है। नाउ किड्स द पेज नंबर 22 इज डन। आई होप यू एंजॉय यूनिट नंबर 12 अल्फाबेट एल साउंड ल एक्टिविटी नंबर 1 एंड एक्टिविटी नंबर 2। ओके किड्स, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।